الرحمن الرحيم. السلام عليكم. I'm starting my first vlog with the name of Allah who is more beneficent and merciful. तो जनाब आज मैं आपके साथ जो है अपनी डे रूटीन शेयर करूँगी और छोटी छोटी से क्लिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी. तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बाहर का माहौल कैसा है और आज का वेदर कैसा है. तो जनाब बाहर का जो वेदर है तो वही तो बहुत ज़्यादा शिद्दत महसूस हो रही है गर्मी की. तो जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा, टाइम गुजरता जाएगा, तो ये मज़ीद गर्म होता जाएगा. तो गर्मी तो ऑफ कोर्स जून का मंथ चल रहा है तो होनी ही है ना. तो इसके साथ साथ क्या करते हैं कि हम अपने लाइफ रूटीन में, अपने डाइट में, अपने फूड में थोड़ा सा कुछ ऐसे मिनरल्स यूज़ करते हैं जिससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहे. तो यहाँ पर मैंने करना ये है कि एक गिलास पानी का लिया और इसमें अब एक चम्मच में मिक्स करूँगी तुखम मलंगा के, चिया सीड भी बोलते हैं इसको, और इसमें एक चम्मच मिक्स करके मैंने पी लेना है. तो सुबह उठते ही जो पानी की रूटीन है, सबसे पहले आपको सिंपल प्लेन वाटर लेना चाहिए. उसके बाद आपको कोई सा भी डिटॉक्स ले लेना चाहिए और उसके साथ ही मैं एक गिलास पानी ये भी लेती हूँ. तो इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर बेस्ट रह जाता है और हमारी स्किन के लिए भी फ्रेश है और स्टमक के लिए भी बेस्ट है. तो जनाब पानी पी लिया है, नाश्ता हमारा हो चुका है और अब मैं अपने नेल कट कर रही हूँ. तो फ्राइडे को नेल कट करना सुन्नत है और जुमेरात को नेल कट करना हमें मोहताजी से दूर रखता है. नेल कट करने के बाद मैं ऑयल लगाऊंगी अपने पोर्स पर, नेल्स के पोर्स पर. तो इससे क्या होता है कि बहुत से फ़ायदे हैं, अगर आप गूगल करेंगे तो बहुत आपको इसके फ़ायदे नज़र आएंगे. तो अब चलते हैं और अब आप देख रहे हैं ना कि मैं निकाल रही हूँ अपना अबाया. तो सोचा कि चलें चलते हैं और कुछ ना कुछ चीज़ें जो किचन में आज के यूज़ की हैं तो वो लेकर आते हैं. तो जनाब हस्बैंड मेरे ऑफिस जा चुके हैं और मैं जा रही हूँ मार्ट. तो चलते हैं. हाँ जी फ्रेंड्स, तो अब हम चल रहे हैं अंसार मॉल. तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अंसार मॉल का व्यू और अंसार मॉल के अंदर का एनवायरनमेंट कैसा है. तो भाई ये तो बहुत ही बड़ा मॉल है, तो 6 फ्लोर पर मुश्तमिल है. तो जनाब चलते हैं और देखते हैं. तो अभी अर्ली मॉर्निंग है, इतना ज़्यादा क्राउड नहीं है. जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाते हैं. तो अभी हमने अच्छा टाइम निकाला सुबह सुबह का, तो थोड़ी सी वॉक भी हो गई और हम कुछ शॉपिंग भी कर लेंगे. और मैं आपके साथ, यहाँ पर एक कॉर्नर है जो कि मेरा फेवरेट कॉर्नर है, यहाँ पर मैं जितनी देर के लिए भी रह लूँ मुझे बहुत मज़ा आता है, मैं यहाँ पर बहुत इंजॉय करती हूँ. तो आइए चलते हैं लेवल 4. हाँ जी फ्रेंड्स, तो मैं लेवल 4 पर आ चुकी हूँ.
चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। हम घर पहुंच चुके हैं और अब मैं बनाऊंगी लस्सी, क्योंकि काफ़ी गर्मी से होकर आए हैं। तो जितना भी ज़्यादा आप लिक्विड यूज़ करेंगे तो उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो बाकी की शॉपिंग मैं इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि मैंने क्या शॉपिंग की है। तो अब बना लेते हैं लस्सी। तो लस्सी के लिए कोई ख़ास रेसिपी नहीं है, बस सिंपली जैसे हम बनाते हैं तो वैसे ही बनाई है। दही लिया है, दूध लिया है, चीनी ली है और आइस ली है। तो बस इसको अच्छे से मैं शेक करूँगी और हमारी लस्सी बनके तैयार हो चुकी है। हम करते हैं लस्सी को एंजॉय, आप करें वीडियो को एंजॉय। अपना रखिएगा ख्याल, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।